किसी बात पर हुई कहासुनी को लेकर कुछ लड़कों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। ये मामला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ अमरोहा के एक कारोबारी के बेटे की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को लगभग 7 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। यहाँ टीचर्स कॉलोनी में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम चलाने वाले प्रदीप मित्तल के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी ईशा मित्तल और छोटा बेटा 19 वर्षीय यश मित्तल। दोनों ही बच्चे नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में स्थित BAMT यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये दोनों ही अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं। 25 फरवरी की शाम 6:30 बजे बेटा यश मित्तल हॉस्टल से अपने दोस्तों के बुलाने पर बाहर जाता है। इसके बाद वो वापस नहीं लौटता। बहन ईशा ने बहुत कॉल की मगर फोन बंद था। फिर उसने घर पर बताया। इसी बीच यश के मोबाइल से उसके पिता और बहन के नंबर पर 6 करोड़ रुपए की फिरौती का मैसेज पहुंचा, तो घर में सबके होश उड़ गए। 26 फरवरी को पिता प्रदीप मित्तल ने दादरी थाने में अपहरण कर 6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगाया। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद से दादरी थाना की पुलिस और SPG टीम इस मामले की छानबीन में जुटी। आरोपित दोस्त यश के मोबाइल से ही उसके पिता और बहन को फिरौती के लिए मैसेज और फोन किए जा रहे थे। फिर पुलिस ने यश के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर गजरौला के मोहल्ला तिगरिया भूड़ से छापेमारी करते हुए उसके एक दोस्त को हिरासत में लिया। आरोपितों के निशानदेही पर पुलिस ने मंडी घनौरा मार्ग पर तेवा कंपनी के सामने एक तालाब के आकार जैसे खेत से लगभग 7 फीट गहरे गड्ढे को खोदकर यश के शव को बरामद किया। शव की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई लोगों ने मिलकर उसकी बेरहमी के साथ पिटाई की, गला दबाकर उसकी हत्या की, क्योंकि शरीर पर नील के काफी निशान थे। मुंह और नाक से खून बह रहा था। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 27 फरवरी 2024 को थाना दादरी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति यश मित्तल, जो कि बेनेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, अपने हॉस्टल नहीं आया था। तत्काल दादरी पुलिस द्वारा परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया। इसके बाद यश मित्तल की बरामदगी हेतु टीम्स का गठन किया गया। इसमें कुछ तथ्य प्रकाश में आए कि इसके 4 दोस्त हैं, जिनका नाम है रचित, शुभम उपाध्याय, सुशांत और सुमित प्रधान। इन लोगों ने इससे पिछले साल नवंबर से दोस्ती करी है और ये लोग आपस में काफी पार्टी करते थे। ये चारों लोग गजरौला के रहने वाले हैं। जो यश मित्तल है वो भी गजरौला का रहने वाला था। इन लोगों की काफी समय से दोस्ती थी और पार्टी चल रही थी लगातार। इसी क्रम में इन्होंने 26 तारीख को इसको पार्टी करने के लिए गजरौला बुलाया था। जो यश मित्तल है वो बेनेट यूनिवर्सिटी से निकल के गजरौला पहुंचा, जहां इन्होंने रचित के खेत में पार्टी करी। उसी पार्टी में ड्रिंक करने के बाद कुछ इनके बीच में हॉट टॉक हुई, जिसको लेकर के इन सभी लोगों ने मिलकर यश मित्तल की हत्या कर दी है। रचित की बरामदगी पर ये शव बरामद दादरी पुलिस द्वारा स्वाट टीम द्वारा किया गया है। अन्य वांछित अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। पुलिस को गुमराह करने के लिए ये लोग मृतक के मोबाइल से लगातार फिटनैपिंग और रैनसम जैसी मैसेजेस भेज रहे थे, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। घटना का अनावरण हो चुका है। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें शीघ्र करी जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के DCP ने बताया कि पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने बताया था कि 26 फरवरी को यश मित्तल को फोन करके पार्टी करने के लिए यूनिवर्सिटी से बुलाया गया था, जहां दोस्तों से उसका विवाद हो गया और यश मित्तल की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को 5 से 6 फीट गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। DCP ने बताया कि हत्या करने के बाद पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए आरोपी अपहरण संबंधित मैसेज मृतक के मोबाइल से भेज रहे थे। पुलिस जब इस वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही थी, तो उसी दौरान उनके दादरी में होने की सूचना मिली। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को दादरी में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अब एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।